नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर विजन आईएएस की मंथली मैगजीन हम कैसे पढ़ें, क्योंकि एस्पिरेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है कि प्रीलिम्स का कौन सा आइटम्स है, मेंस का कौन सा आइटम्स है, उसको सेग्रीगेट कैसे करें और नोट्स कैसे बनाएं। तो इस वीडियो में मैं यही बात करूँगा कि आप विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को कैसे पढ़िए, और जैसा मैं बता रहा हूँ उस तरह आप पढ़ोगे तो आराम से 2 दिन में मंथली मैगजीन ख़त्म हो जाएगी। ये आपकी मार्च की मैगजीन है और ये 120 पेज की है। अगर हम ऐड और इंडेक्स को हटा दें तो इफेक्टिवली ये 114-115 पेज की है। तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको आप अप्लाई करिएगा और आराम से इसको पढ़िएगा तो ईजिली ख़त्म हो जाएगी। ये मंथली मैगजीन का आपका इंडेक्स है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जिस हिसाब से आपका पेपर है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी, उस हिसाब से विजन की मैगजीन में सेग्रीगेट किया है, तो मुझे ये वन ऑफ द बेस्ट मैगजीन लगती है। और अगर से आप कोई और मैगजीन पढ़ते हैं तो वो भी आप इसी तरीके से पढ़ सकते हैं जैसा मैं बताऊँगा। तो चलिए हम पहले टॉपिक का एग्जाम्पल लेके बताते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। तो आपका पहला टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC। यहाँ देखिए सबसे पहला हेडिंग है वाई न्यूज़। इस न्यूज़ को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने कहा है कि स्टेट में UCC लागू करने की क्या पॉसिबिलिटी है, इसके लिए वो एक एक्सपर्ट पैनल बनाएंगे। तो जो आपका ये इंट्रो है वाई न्यूज़, ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है कि आप इसको एग्ज़ाम में अपने इंट्रो बॉडी या कंक्लूजन में यूज़ कर सकें, तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं रहेगा आपको, इसको आप छोड़ दीजिए। इसके बाद देखिए तो यहाँ पर UCC के बारे में बताया है। इन 3 पॉइंट्स को आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक बेसिक डेफिनेशन चाहिए रहेगी, क्योंकि जब आप मेंस के आंसर लिखोगे तो एक अच्छा डेफिनेशन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि वन लॉ टू बी मेड एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज़ इन मैटर्स सच एज मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस और अडॉप्शन। यहाँ पे आप एम लिख दीजिए क्योंकि आपके मेंस में काम आएगा, प्री में ज़्यादा काम नहीं आएगा। इसके बाद आप आर्टिकल 44 DPSP का ध्यान रखिएगा और यहाँ पे आप एम प्लस पी लिख सकते हैं। मतलब आपको मेंस में भी याद रखना होगा कि आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है और प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है। इसके बाद हेडिंग है मेजर माइलस्टोन। अगर आप पहला पॉइंट पढ़ेंगे तो ये किसी काम का नहीं, आप पढ़ के देख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट को आप एज ए एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं जब भी आप UCC के फेवर में बात लिखेंगे कि फ्रेंच कोड 1804 हर टाइप का जो कस्टमरी लॉ था उसको इरेडिकेट करके यूनिफॉर्म कोड लाया, तो इसको आप एम लिख दीजिए क्योंकि आपका मेंस में काम आएगा। उसी तरह आप लेक्स लो की रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, वो भी कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ के बारे में बात करता है, ये आपका पी प्लस एम हो जाएगा, दोनों में काम आएगा। इसके बाद आप BN राव कमेटी के बारे में पढ़ेंगे जो कि कोडिफिकेशन ऑफ हिंदू लॉ की बात करता है, ये आपका पी प्लस एम होगा क्योंकि प्रीलिम्स में भी काम देगा और मेंस में भी काम देगा। नेक्स्ट आप देखिए स्पेशल मैरिज एक्ट, इसको आप मेंस में भी लिख सकते हैं और प्रीलिम्स में जनरली क्या पूछेगा, ये आपसे ईयर पूछ सकता है कि किस ईयर में आया था। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप तो हिंदू मैरिज एक्ट का ईयर आप याद रखोगे, सक्सेशन एक्ट का ईयर याद रखोगे, गार्जियनशिप एक्ट का ईयर याद रखोगे, मेंटेनेंस एक्ट का ईयर याद रखोगे। तो ये PCS का जो प्री होता है UPPCS बिहार PCS वहाँ पे पूछ सकता है, UPSC में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसको आप पी लिखेंगे क्योंकि ये प्रीलिम्स में काम देगा आपके। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है UCC पे लेके, तो सारे जजमेंट आपको नहीं पढ़ने, 3 इंपॉर्टेंट जजमेंट हैं। शाहबानो केस को याद रखिएगा, उसका ईयर याद रखिएगा, सरला मुदगल केस को याद रखिएगा, उसका ईयर याद रखिएगा, और सायरा बानो केस को याद रखिएगा, उसका ईयर याद रखिएगा। ये 3 केस को आप याद रखोगे, ये आपका प्री में भी काम देगा प्लस मेंस में भी काम देगा क्योंकि आप इसको कोट करिएगा अपने आंसर्स में। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो ये आपका आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर है UCC के लिए और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट है UCC का। तो ये जो सेक्शन हुआ ये पूरा सेक्शन आपका मेंस के लिए है, तो यहाँ पे सिर्फ एम लिखिएगा, इससे आपको पता रहेगा कि ये मेंस के लिए आपको पढ़ना है। देखिए मैं पी और एम क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो नोट्स नहीं बनाएंगे और वो मैगजीन से रिवाइज करेंगे, तो आप ऐसे पी और एम लिख लीजिएगा। बाकी जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो प्री के लिए एक अलग नोटबुक बनाएंगे और मेंस के लिए अलग बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे क्या क्या फेवर में आर्ग्यूमेंट है, तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ, लॉ सिंपल हो जाएगा, जो अभी काफ़ी कॉम्प्लेक्स लॉ है अलग अलग रिलीजन के लिए वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। जेंडर इक्वलिटी प्रमोट करेगा, इसमें आप कुछ एग्जाम्पल को नोट डाउन करिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है कि क्रिश्चियन वोमेन जो हैं वो एडल्ट्री के बेसिस पे अपने हस्बैंड को डाइवोर्स नहीं दे सकते हैं बट क्रिश्चियन हस्बैंड दे सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, देखिए बहुत ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, एटलीस्ट 1 या 2 एग्जाम्पल याद रखिएगा अपने आंसर में कोट करने के लिए। आपको अपने आंसर का वैल्यू बढ़ाना है तो आपको एग्जाम्पल्स, आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ये देने होंगे, तो विजन मंथली मैगजीन से आपको यही सब चीज़ एक्सट्रैक्ट करना है। और जैसे यहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर लिखना है, अगर आप इसका नोट्स बना रहे हो तो कैसे बनाओगे, पूरा चीज़ नहीं लिखेंगे, सिंपली कीवर्ड्स लिखेंगे क्योंकि जो अंदर की कहानी रहेगी वो आपको याद आ जाएगी कीवर्ड को देख के। जैसे मान लीजिए आपको नोट्स बनाना है तो आप सिंपली एक लाइन खींच देंगे और उसके बाद यहाँ पे प्रोज लिखिए, यहाँ पे कॉन्स लिखिए। प्रोज में आप अलग अलग पॉइंट लिखेंगे, जैसे लॉ सिंप्लीफाई करेगा तो यहाँ पे आप लॉ सिंप्लीफाई लिखेंगे, जेंडर इक्वलिटी प्रमोट करेगा तो आप यहाँ ये लिख देंगे, उसी तरह एग्जाम्पल कोड कर देंगे जो मैंने क्रिश्चियन हस्बैंड का बताया। यहाँ मैं छोटे फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे बट इसी तरह की पॉइंट्स लिखेंगे। आप अलग अलग डायग्राम बना सकते हैं, आप चाहे ऐसे बॉक्स में बना सकते हैं कि यहाँ पे प्रोज लिख दिए और यहाँ पे कॉन्स लिख दिए, फिर यहाँ पे आप ऐसे करके प्रोज और कॉन्स बना सकते हो।
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने नोट्स को कितना ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं और कितना ज़्यादा इजी टू रीड बनाना चाहते हैं। उसके बाद आपने यहाँ तक खत्म कर लिया। इसके बाद और कुछ जो पॉइंट्स हैं कि अगर से UCC रहेगा तो इंटर कास्ट मैरिज, इंटर क्लास मैरिज, इंटर रिलीजियस मैरिज, ये सब चीज़ें हो सकेंगी, अडल्ट्री, बाइगैमी, पॉलीगैमी, ये सब चीज़ खत्म होगा। इसके बाद आप प्रोज में ये बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी जजमेंट जो हैं इसको सपोर्ट करते हैं, चाहे शाहबानो केस हो गया आपका, सरला मुदगल केस हो गया। अगर से यहाँ पे आपको ग्लोबल एग्जांपल देने हैं तो जो मैंने यहाँ बताया था फ्रेंच कोड वाला, इसको भी आप प्रोज में लिख सकते हो। इसके बाद जो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट है कि ये डाइवर्सिटी के अगेंस्ट है क्योंकि ये सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है, यूनिफॉर्म नेशन होने का मतलब ये नहीं होता है कि यूनिफॉर्मिटी रहे, तो ये आप पॉइंट लिख सकते हैं। देखिए अगर आप अगेंस्ट डाइवर्सिटी आपको कीवर्ड याद रहेगा तो अंदर की कहानी आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगी। अंदर की कहानी जो है आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़ने की जरूरत है। इसके बाद देखिए एक पॉइंट ये भी है कि जो सिविल लॉज हैं उसमें भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो इसके बाद आप 2-3 सिविल लॉ याद कर लीजिएगा, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, तो ऐसे 1-2 पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद लॉ कमीशन ने सपोर्ट नहीं किया, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लॉ कमीशन ने ये कहा है कि इंस्टेड ऑफ UCC आप कोडिफिकेशन और पर्सनल लॉ लेके आइए। और लास्टली इसके अगेंस्ट जो आर्गुमेंट है वो ये है कि ये पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू है, तो इसको भी आप लिखेंगे। ये पूरी कहानी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़ना है, बट आपके नोट्स में ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, आपके नोट्स में सिर्फ कीवर्ड्स आएंगे। इसके बाद आपका फाइनल कंक्लूजन आएगा। तो जैसे पहला पॉइंट दिया है कि एजुकेट द सिटीजन, बहुत ही कॉमन पॉइंट है, ये आप नोट्स में नहीं लिखोगे क्योंकि ये आपको ऑटोमेटिकली पता होगा कि एजुकेट करो, अवेयरनेस बढ़ाओ, अलग अलग NGOs को, सिविल सोसाइटीज़ को एंगेज करिए, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू कंसेंसस बिल्डअप करिए, तो ये सब जेनरिक पॉइंट है, ये आप नोट्स में नहीं लिखोगे। नोट्स में हमेशा कुछ वैल्यूएबल पॉइंट लिखोगे जो आप जनरली भूल जाते हो। जैसे देखिए नोट्स में आप इसको लिखेंगे कि एक एग्जांपल के तौर पे दे सकते हो कि वेरियस वुमन ग्रुप, चाहे सहेली हो गया, विमोचना हो गया, या फिर ह्यूमन राइट्स लॉयर ग्रुप जो हैं, वो एक ड्राफ्ट बनाए हैं कि कैसे जेंडर जस्ट और सेकुलर फैमिली लॉज को बनाना चाहिए, क्या उसकी टेक्निकल डिटेल्स है उस ड्राफ्ट में लिखा हुआ है, तो इसको आप एग्जांपल के तौर पर यूज़ कर सकते हो। इसके बाद देखिए कि ये बेसिक पॉइंट है, जेनरिक पॉइंट है कि हमको छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, ऐसे एक साथ इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि ये देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो जाए। इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे अभी शादी की एज बढ़ाई गई है, पहले लोग इसके खिलाफ थे, बट छोटा छोटा स्टेप लिया गया और लोग जो है इसे सहमत भी हैं अब, तो आप ये एग्जांपल भी डाल सकते हैं। इसी तरह देखेंगे ये दोनों पॉइंट भी हैं जो जेनरिक पॉइंट है। लॉ कमीशन की जो सजेशन था कि आप पर्सनल कोड को कोडिफाई करिए, पहला स्टेप यही लीजिए, इसको आप एज अ कंक्लूजन यूज कर सकते हैं। देखिए 3-4 पेज का आर्टिकल था और वो आराम से आपका 3-4 मिनट में खत्म हो गया। इसमें लिखने के लिए बहुत कम कंटेंट था, सिंपली आपको रीड करके थोड़ा समझना था, तो जो आपको समझने में टाइम लगेगा वही टाइम लगेगा, बाकी नोट्स प्रिपेयर करने में आपको कीवर्ड लिखना है सिर्फ। तो यही बेस्ट और इफेक्टिव तरीका होता है मंथली मैगजीन पढ़ने का। चलिए एक और एग्जांपल लेके बताते हैं आपको हम। जैसे ये न्यूज़ आपका वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर है, तो सबसे पहले जो आपका ये न्यूज़ है यहाँ पे, ये आपका काम का है क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने कहा है कि वो साइमल्टेनियस इलेक्शन हेल्ड कर सकते हैं ऑन द लाइंस ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। तो इसको आप कोट कर सकते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन या फिर साइमल्टेनियस इलेक्शन के ऊपर आएगा क्वेश्चन, तो इससे आप स्टार्ट कर सकते हो, इंट्रो में लिख सकते हैं। इसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर एक बेसिक डेफिनेशन देखना है आपको। यहाँ आपकी पूरी रामकथा लिखी है बट सिंपल डेफिनेशन आपका यहाँ पे लिखा है कि स्ट्रक्चरिंग द इंडियन इलेक्शन साइकिल इन अ मैनर डेट लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन आर सिंक्रोनाइज टुगेदर। ये एक सिंपल डेफिनेशन है, सिर्फ इसको याद करिएगा, बाकी सारी कहानी जो है वो किसी काम की नहीं है। रीड करने के बाद आप इसको काट भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद इस आर्टिकल को आप देखोगे तो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल है, इसमें जो भी आइटम्स है मेंस के लिए है, प्री के लिए बहुत कम आइटम है। एक पॉइंट आप यहाँ देख लीजिएगा, इसको आप P+M लिख दीजिएगा क्योंकि हो सकता है स्टेटमेंट में पूछ ले कि साइमल्टेनियस इलेक्शन इंडिया में कभी नहीं हुआ, तो ये स्टेटमेंट गलत है। 1951 से लेके 1967 तक साइमल्टेनियस इलेक्शन होता था, तो इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप P+M इसीलिए लिखे हैं। इसके बाद यहाँ हेडिंग है आपकी कि क्यों जरूरत है वन नेशन वन इलेक्शन का। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप बॉक्स बना के वैसे अपने पॉइंट को लिख सकते हो, उसी तरह आप यहाँ लिखोगे। पहला आपका स्टेटमेंट है पेरिनियल इलेक्शन मोड, मतलब देश हमेशा इलेक्शन के मोड में ही होता है। तो ये जो पॉइंट है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये कहानी पढ़ने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, इसी से आप समझ जाएंगे कि बोलना क्या चाहता है। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है कि पॉलिसी एंड गवर्नेंस डेफिसिट, क्योंकि पॉलिटिशियन हमेशा इलेक्शन में ही लगे रहते हैं, इलेक्शन के काम में लगे रहते हैं, तो बाकी गवर्नेंस और वेलफेयर का काम कहाँ करेंगे, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है। तो ये पॉइंट भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप यहाँ पे कुछ पढ़ सकते हो बट नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसके बाद देखेंगे आप तो तीसरा पॉइंट ये है कि एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्शन, अगर से एक साथ इलेक्शन होगा तो खर्चा कम बैठेगा। अलग अलग इलेक्शन होता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोकसभा का खर्चा उठाती है और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो असेंबली इलेक्शन का खर्चा उठाती है, बट इलेक्शन एक साथ होने लगेगा तो जो खर्चा है वो स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों बांट सकेगी। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हुआ जो यहाँ लिखा हुआ है, इसको भी आप नोट्स में सिंपली एक लाइन में लिख दोगे।
नेक्स्ट आपका है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो लगे रहते हैं साल भर, कभी स्टेट की इलेक्शन में तो कभी लोकसभा की इलेक्शन में, तो उनका काम जो है वो कम हो जाएगा और उनको बेटर काम के लिए डिप्लॉय किया जाएगा। इसके अलावा और कौन कौन से इश्यूज हैं, तो कास्ट, रिलीजन, कम्युनल इशू जो है इसको थोड़ा कम किया जा सकेगा। देखिए जो फ्रीक्वेंट इलेक्शन होता है उसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टी फ्रीबीज देने लगती है, फ्री का चीज़ें देने लगती हैं, तो ये कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म बढ़ाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप आंसर मेंशन करेंगे तो अच्छा लगेगा, तो इसको आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। इसके बाद क्या क्या कंसर्न्स हैं, तो पहला है आपका ऑपरेशनल फीजिबिलिटी। इतना ज़्यादा इजी नहीं है एक साथ इलेक्शन कराना, क्योंकि अगर आप एक साथ इलेक्शन कराओगे तो किसी न किसी स्टेट असेंबली को डिसॉल्व होना पड़ेगा इलेक्शन साइकिल मिलाने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि पॉसिबल नहीं लगता है नियर फ्यूचर, यही बताया है पूरा यहाँ पे। इसके बाद बोला है कि ये फेडरलिज्म और वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी के खिलाफ है। साथ ही यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि वोटर बिहेवियर जो है वो इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि जब वोटर वोट डालने जाएगा तो हो सकता है कि वो नेशनल इशू को ध्यान में रख के स्टेट के लिए भी वोट दे दे और सेंटर के लिए भी वोट दे दे, तो यहाँ पे जो स्टेट की रीजनल पार्टीज है उनको नुकसान होगा, तो यहाँ पे यही पॉइंट लिखा है। ठीक है, तो ये देखिए सिंपल पॉइंट है और बेसिक पॉइंट है, यहाँ पे आपको समझने में टाइम लगेगा, बट नोट्स में आप सिंपली एक लाइन लिखोगे कि इम्पैक्ट ऑन वोटर बिहेवियर, सिर्फ आपको इतना ही एग्जाम में याद आना चाहिए, कहानी आप लिख लेंगे और आपको मार्क्स सिर्फ इतने का मिलता है, एग्जामिनर पूरा लाइन बाय लाइन चीजें नहीं पढ़ता है, एग्जामिनर कीवर्ड देखता है और आगे बढ़ता है। इसके बाद फाइनली कंक्लूजन के लिए कुछ पॉइंट आप तैयार कर लीजिएगा, तो यहाँ पे तीन लोगों का सजेशन दिया गया है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, इलेक्शन कमीशन और यहाँ पे लॉ कमीशन का, तो तीनों में से कोई भी दो स्टेटमेंट आप याद कर लीजिएगा, दो रिकमेंडेशन याद कर लीजिएगा और उसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, पूरा सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए नोट्स ऐसे बनाने हैं ना कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मुझे 250 वर्ड का आंसर लिखना है, सिर्फ इसी को देख के आपको नोट्स बनाना है, तो यही बेस्ट तरीका होता है मंथली मैगजीन पढ़ने का। तो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा आगे कि किसी एक आर्टिकल का नोट्स बना के अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूं, ताकि उसको देख के आपको आइडिया हो जाए कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है। धन्यवाद।